मेरा एक लौता बच्चा है, एक ही लड़का है, मेरा जान है वो। अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया, इतना डर गया। है क्या कर रहे हैं, कौन हालत में लड़का है, रात के समय दिन में क्या खा रहा पी रहा, कुछ हो रहा। गत 11 तारीख रु निखोज अछंती गुरु नानक पब्लिक स्कूल क्लास 10 न छात्र रोहन पंडित। बयस तांकर 16 वर्ष। फर्टिलाइजर अंचल से रहउछंती आ बापा मांकर से होउछंती गोटे पुओ। तबे स्कूल ले से एग्जाम रे किछि फर्जी करूथले बा किछि चीट करूथले, जोत पई से धरा पड़ी जाइथिले। आउ तांको धरिथिले तांको स्कूल ल जने मैडम आउ तांको सार को पाको प्रिंसिपल को पाको नै जाइथिला। आउ सेठी तांको बहुत धमक चमक दिया आइथिला। आउ घर से माड़ गाड़ी खाइबा भयर कि जो करते चिट करते भयर से अधा रास्तारू स्कूल आसु आसु ओह्ल जाते टेम्पोरू। आई दिन से निखोज अच्छा प्लांट साइड्रु से निखोज अच्छा। एने थाना प्लांट साइड थाना अभियोग बापा माँ से निज पुओ को पागल प्राय खोजार व्यस्त होती, किंतु एपर्यंत पुलिस ना से पुओर कौन टेर पाई ना से पुओ को फेरी पाई। एसपी ऑफिस दौड़ी दौड़ी चप्पल घसीगला, किंतु एपर्यंत पुओ को पुलिस खोजी पाइबार असफल रही। सीधासलख पचेरी बुझा कौन थिला घटना, किस लिए आपका बेटा गुम हो गया, कहाँ से गुम हो गया? मेरा बेटा ट्रैफिक चौक से गुम हो गया, ट्रैफिक चौक में उतर गया, फिर कहाँ चला गया अभी तक नहीं पता चला। कब हुआ, कैसे हुआ? 11 तारीख को स्कूल से फ़ोन आया था, लगभग 12 साढ़े 12 बजे। MK सर बोल के एक नाम है सर का, वो फ़ोन किए थे। वो बोले कि आप अभी आइए, आपका बेटा कुछ गलत काम किया। बोले क्या गलत काम किया? नहीं, आप आने से हम बताएंगे। हम बोले सर आप बताइए, तो मेरा दिल बैठा जा रहा है, तो कुछ तो हिंस दीजिए। नहीं, आपका बेटा को क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक टाइप का वो चोरी किया। चोरी? मेरा बेटा तो उस टाइप का है नहीं, क्या चोरी किया? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये आपका बेटा स्कूल में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से कुछ पेपर चोरी करके घर में ले जाके अपने से पेपर बनाया, अपने से टीचर का मार्किंग किया, ये नंबर लिखा और स्कूल में आके ओरिजिनल पेपर लेके खिड़की के पार फेंक दिया और अपना डुप्लीकेट घर का चीट पेपर ले जाकर टीचर को दिखाया। और टीचर देखी तो टीचर अपना पेपर समझ गए कि ये मेरा पेपर नहीं है। फिर टीचर उसको बोले कि क्या किए तुम, तो कहाँ रखे ओरिजिनल पेपर? ना मैम, हम खिड़की के बाहर फेंक दिए। फिर वो पेपर के साथ लेके MK सर के पास गए। MK सर मुझको फ़ोन किए और बोले कि मैम आप अपना बेटा को कल से मत भेजिएगा, आपका बेटा एक टाइप का चोरी किया है, आप कल से मत भेजिएगा और अपने हस्बैंड को लेकर तुरंत आइए। तो मैं बोली सर मेरे हस्बैंड अभी एसिड गए हैं, आज नहीं आ पाएगा, कल आने से होगा। बोला हाँ आइए, लेकिन तब तक आप अपना बेटा को स्कूल में मत भेजिएगा, आपका बेटा को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा वो डिसाइड करके बताया जाएगा, लेकिन तब तक आप अपना बेटा को मत भेजिएगा और हो सके तो कल आप हस्बैंड के साथ ज़रूर से ज़रूर आइए और तब तक बेटा को मत भेजिएगा और अपना बेटा को हो सके तो कल जब आइएगा तो अपना बेटा को साथ में लेकर आइएगा। बस ये सब बात मेरा बेटा के सामने बोला गया। तो मेरा बेटा डरेगा नहीं? कितना उम्र हुआ मेरा बच्चा का, छोटा बच्चा। मेरा बच्चा बहुत सीधा साधा, बहुत सीधा साधा, किसी से भी पूछे। मेरा बेटा के सामने इतना बड़ा बड़ा बात हुआ, चोरी किया गया तो नहीं रखेंगे, ये सब बात से मेरा बेटा इतना डर गया, इतना डर गया कि अपने माँ के अपने पापा के पास आने से मेरा बच्चा डर गया। अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा एक लौता बच्चा है, एक ही लड़का है, मेरा जान है वो। अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया, इतना डर गया। कहाँ से उतर गया? ट्रैफिक चौक में उतर गया। ऑटो वाला बोला कि मेरा पापा हमको लेने आ रहे हैं, आप हमको यहाँ उतार दीजिए, ये बोलकर ट्रैफिक चौक से उतर गया। ऑटो वाला उतार दिया, किंतु ऑटो वाला फ़ोन नहीं किया। देखिए आप और फ़ोन लगा तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। हम लोग देखिए ऑटो वाला बोला देखिए भैया आप जल्दी उतारे हैं मेरे लड़का, ठीक है उतार दिए, किंतु फ़ोन तो करते हैं मैं आपका लड़का मैं उतार रहा हूँ, आपका ले आगे ले जाइए। नहीं बोला भैया मैं क्या करूँगा, इतना नंबर आता है मुझे मालूम नहीं रहता है और नंबर सेव नहीं किए। नहीं नंबर सेव तो नहीं किया हूँ, इसलिए मैं आपका नंबर कौन मालूम नहीं चला, मैं आपका बेटा का फ़ोन नहीं किया। तो बेटा मेरे कहाँ गया, क्या मांगिया मालूम नहीं, यहाँ से उतर गया, उसके बाद किधर कौन साइड गया मुझे नहीं मालूम, ये बोल कर उतार के वो चला गया, ऑटो वाला चला गया। थाना में कब FIR? उसी दिन शाम को करीब 6 बजे करीब मैं पुलिस प्लांट साइड थाना में FIR दिया। अभी तक क्या कार्रवाई की? तो अभी तक खोजबीज कर रहे हैं पुलिस। नहीं दिए, अभी तक एक सुराग नहीं दिए। हम ही दोनों जो दौड़ धूप करें, अभी तक एक सुराग नहीं दिए कि हाँ मेरा बेटा यहाँ देखा गया कि नहीं देखा गया। हर रोज़ थाना दौड़ते, दिन में 2 बार 1 बार दौड़ते हैं, और सुबह 5 बजे हम दोनों निकलते, रात को 11 बजे ठुकते हैं। जिस दिन से मेरा बच्चा गुम हुआ उस दिन से हम अभी तक पानी का एक बूंद नहीं पिए हैं, ना ही खाना खाए। उस दिन से हम भूखे हैं। इस हालत में हम दौड़ धूप करें, ऐसा नहीं कि घर में बैठे हुए बेड पकड़ लिए। अभी तक पानी का एक बूंद नहीं पिए हैं। पुलिस वाला क्या बोल? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम तो सब जगह प्रचार कर दिए, सब थाना में, सब जगह, मेरे तरफ से जो हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ सुराग नहीं। एसपी ऑफिस किस लिए आए? एसपी ऑफिस वहाँ से कुछ मुझको कुछ काम हमको नहीं मिला, कुछ पता नहीं मिला, इसलिए मैं एसपी से आशा लगा के आई हूँ कि कुछ एसपी सर कुछ करें बस। और आप सब पे हमको बहुत भरोसा, मीडिया पे हमको बहुत भरोसा, आप ही सब हमको न्याय दिलाएंगे, इसीलिए हम आपको बार बार फोन करते। पुलिस वाला लोगों को कुछ अभी तक टेर नहीं मिला है बच्चा? नहीं, अभी तक कुछ पाया नहीं है। बहुत खोजबीन, वो बोल रहे हैं कि सर मैं सब जगह जितना थाना हूँ सब जगह भेज दिया हूँ और जितना भेजना सब भेज दिया हूँ, किंतु अभी तक सर भाई कुछ सुराग नहीं मिला सर। अभी तक लड़का कुछ सुराग नहीं, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कौन हालत में लड़का है, रात के समय दिन में क्या खा रहा पी रहा, कुछ सुराग नहीं। इसका कोई दोस्ती यारी का घर गया है कहीं? हाँ, डाउट पुलिस के साथ मैं गया था, दोस्त के घर गया था, तो दोस्त लोग बोले नहीं अंकल मुझे कुछ नहीं मालूम, रोहन कहाँ गया मुझे कुछ बोल के नहीं गया है। तो दोस्त के घर में घूम कहाँ गया, कहीं कुछ खबर नहीं मिला, उनके घर से कुछ खबर नहीं मिला। मोबाइल पकड़ता था आपका बच्चा? नहीं, मोबाइल नहीं पकड़ा हाथ में, पैसा नहीं पकड़ा हाथ में, मोबाइल स्कूल में अलाव नहीं है, इसलिए वो उतर गया। सड़न प्रोग्राम बनाया, मैं घर नहीं जाऊंगा ये सोचकर वो ऑटो से उतर गया, डर के उतर गया। वो जाने समय बहुत रो रहा था और अपने दोस्त को बोला कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर हमको ले चलो। तो दोस्त लोग बोला पागल है क्या, जाओ अपना घर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे मम्मी पापा डांटेंगे मारेंगे तो क्या हुआ, तुम घर जाओ। वो बड़ा रोते रोते पूरा बोरा, उसका दोस्त बोरा, पूरा आँख लाल था, फेस लाल था, बहुत रो रहा था मेरा बच्चा। हाँ, स्कूल ड्रेस में था। शुणुते प्रतिक्रिया स्कूल जो चोरी रो इल्जाम लगी चोरी रो जो अभियोग होता रोहन उपर से अभियोग डर से गत 11 तारीख रु निखोज अच्छा स्कूल ड्रेस रे निखोज अच्छा सेबेठू थाना एफआईआर माँ बाप सेबेठू अखिया अफिया एसपी ऑफिस टू नहीं थाना सबुआडे दौड़ुंट किंतु एपर्यंत पुलिस टेर पाऊनी रोहन पंडित कौटी अच्छा से राउरकेला अच्छा कि अन्यत्र कौटी पलि जाती कि सुस्थ अच्छा क्यों परिस्थित अच्छा से कथा क्या जाना नहीं। तेज सेबेठू रोहन जो माता पिता अच्छा से अखिया अफिया रोहन को सकाल ठू राति जाए खोजार व्यस्त आ सबू जगार निखोज पोस्टर लगाउछंती। तबे गोटे स्कूल पिला चोरी अभियोग डर अधा रास्तार गायब होपर्यंत न मिलवा निश्चित भाव ये पुलिस जो कार्यानुष्ठान पुलिस जो पारिबा पणिया निश्चित भाव प्रश्नवाची सृष्टि करछि। तो देखा जाऊ रोहन को खोजार राउरकेला पुलिस केते दूर सफल होछि। राउरकेला कैमरा पर्सन रवि दास का समय निरंजन परिडा अर्गस।